ये मैं मान लो कि कचरो पहले कचरो भर दो, फिर गोबर डाल दो, फिर एक चक्कर पानी छाड़ दो, ये गोबर डाल लो से कम। पानी छाड़ दो, फिर मट्टी भी डालो। मिट्टी डालना मच्छे तो ये गीली मिट्टी हुई जाए ना, तो गीली मिट्टी होने के बाद में मान लो कि यो अपना कभी 4 दिन 8 दिन में कभी पानी नहीं पिछाटा ढक सका। मिट्टी को यो फायदा है, और वजन को वजन रहे, कचरो कूटो रहे और ऊपर रहे, और मिट्टी डालना थी वजन बढ़ जाए और पानी पिछाड़ दें वो को वजन हुई जाए तो जल्दी बन जाए, जो 3 महीना में बिल्कुल रवा रवा हुई जाए। पर होना गीला का गीला, गीलो जरूरी होना चाहिए। फिर और कचरो डाल दो, आधो भर दो, आधो आकर और फिर पानी छाड़ दो। एक बार पानी छाड़ दियो, कचरो डाल दियो, फिर यहाँ भी एक बार पानी छाड़ दिया और मिट्टी डाल दियो। आगे पानी छाटी छाटी ना अच्छो गीलो गत कर देना तो अच्छो सड़ जाए। फिर ती गोबर घोलिन ये फुटी गई, फिर मोटो कचरो डाल दियो, फिर गोबर घोलिन डाल दियो, फिर ती आरो फिर ती ऊपर कचरो डालियो, एक हाई पानी छाटे ना था भी दूंगा। हाँ